हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोड लेवेलियर गो के बारे में, जो कि एक प्रोफेशनल ग्रेडेड लेवेलियर माइक्रोफोन है, जो कि आता है 3.5 mm TRS जैक के साथ। और ये जो माइक है इजिली पेयर हो जाता है रोड वायरलेस गो सीरीज के साथ, और इसके अलावा आप और भी जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं उसके साथ भी कनेक्ट करके आसानी से इसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। और रोड का जो लेवेलियर गो है, इसके अंदर आपको मिलता है हाई क्वालिटी ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर कैप्सूल, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि इन एनी एनवायरनमेंट आपको सुनने को मिलता है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो, और ये नॉइस को बहुत ही कम कैप्चर करता है। रोड का जो लेवेलियर गो है, ये आपको देखने को मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट में, जो आपको पसंद हो उसमें से आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो रोड का लेवेलियर गो है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एक प्रोफेशनल ग्रेडेड मतलब लेवेलियर है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फिल्म मेकिंग के अंदर है, एक अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो या फिर अच्छी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है, तो उन लोगों के लिए है ये रोड का लेवेलियर गो। ये बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि मतलब ले, क्योंकि जाहिर सी बात है इस माइक का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो आज इस वीडियो में हम करते हैं रोड लेवेलियर गो की अनबॉक्सिंग, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं इस माइक के साथ। सो करते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी है, मतलब साउंड किस तरीके का कैप्चर करता है। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है अपने पास लेवेलियर गो रोड का एक प्रोफेशनल वियरेबल माइक्रोफोन, और इसकी जो कॉस्ट आती है अप्रोक्स आती है 7100 रुपीज़। काफ़ी देखा जाता है एक बार के लिए बहुत महंगा है। और लेवेलियर गो है, पॉप शील्ड है, लेवेलियर क्लिप और पांच चीज़ के साथ आता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो रोड का लेवेलियर गो माइक्रोफोन है, देखा जाए तो कंडेंसर माइक्रोफोन ही, और जो कि इंपोर्ट किया गया भाई ट्रैमिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड खरीदे नगर। और ये आता है कुछ रोड की ब्रांडिंग दी गई है रोड माइक्रोफोन, जो कि रोड एक तरह देखा है तो काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन ब्रांड है। और ये देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए रोड का माइक्रोफोन है, इसको बच्चों से दूर रखना है, और एक ये पाउच है अलग रखने से। और ये है अपना रॉड का लेवेलियर माइक्रोफोन, यहाँ पे देख सकते हैं रोड की ब्रांडिंग दी गई है, रोड TRS केबल है। और ये इसका शर्ट पर लगाने के लिए दिया गया है, आप इसको ऐसे करके ऐसे फिट करना, और आप चाहें तो शर्ट में लगा सकते हैं। ये रोड भी लिखा गया है, और वायर देखा जाए तो कोई ज़्यादा लंबी नहीं लग रही है मेरे को, आपको मुझे लग रहा है 1 meter के अराउंड के आसपास इसकी लेंथ है, क्योंकि तार लेंथ काफ़ी छोटी दी गई, बस इतनी लेंथ है इसकी, देख सकते हैं बड़ी छोटी लेंथ है इसकी। लेकिन कंपेरेटिवली देखा जाए तो सनाइजर से उतना बढ़िया दिखने में मैक नहीं लग रहा, बड़ी पतली तारें हैं इसकी रॉड की। तो ये थी रोड लेवेलियर गो की अनबॉक्सिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अनबॉक्सिंग वो कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की ऑडियो ये कैप्चर करता है। सो अभी वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो सुन रहे थे रोड के लेवेलियर गो से, और अभी तक आप आवाज़ जो सुन रहे थे वो आपको आवाज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी भी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो रोड के लेवेलियर गो से सुनते हैं, और इसको मैं अपने पर्सनली देखा जाए तो मैं अपने मोस्टली यूट्यूब वीडियोस के लिए इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ही कम नॉइज़ को कैप्चर करता है। जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रोड का लेवेलियर गो है काफ़ी बहुत ही कम नॉइज़ को जो कैप्चर करता है, जैसे आपको पता भी चलता होगा। आपको इतना शायद मुझे लगता है कि आइडिया नहीं लग पाता होगा कि मैं काफ़ी शोर जैसे इलाके में अभी हूँ। पर्सनली देखा जाता है माइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप भी इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, अगर मैं रोड के लेवेलियर गो की अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ तो वो आता है अप्रोक्स 6500 रुपीज़ के अंदर आपको ये माइक मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप खरीदना चाहें तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और अमेजोन से आपको मिल जाएगा अप्रोक्स 6500 के अराउंड।
और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो रॉड के इस माइक से रिलेटेड, या किससे कंपेयर देखना चाहते हो, या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो कि मैं कोई बिगनर हूँ या इंटरमीडिएट हूँ, या फिर मेरा इतना बजट है, मैं इसके अंदर कौन सा बाइक ले सकता हूँ, तो आप भी वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल दिया गया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आने वाले समय में एक ऐसी भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जहाँ पे आप एक बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोस पे बनाना, तो उसके लिए आप कौन सा माइक खरीद सकते हैं, बेस्ट बजट माइक फॉर यूट्यूब वीडियोस, वो भी मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।